45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं, 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रही है। आप पुलिस वाले हैं, मैं आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, कितने पद खाली हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसमें देखिए, तमाम डॉक्टरों के पद खाली हैं। नौजवान हैं पढ़े लिखे, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके माता पिताओं ने बचत करके उनको मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, डिग्रियां हैं, भर्ती की प्रतीक्षा, भर्ती की जो टेस्ट है वो भी किए हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती। यूपी में मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने 6-6 बार एग्जाम दिया, क्योंकि घोटाले हो रहे हैं उसमें। तो एक तरफ से भर्ती भी नहीं होती, पद खाली हैं, उनको भरा नहीं जाता, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। मैंने आपकी बात की, आप सुन रहे हैं, सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी, आज एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी, आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अच्छा खासा संसद भवन था, उसके सुंदरीकरण में आप 20,000 करोड़ डालने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपको, आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं है। आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, तो जनता का विश्वास कैसे होगा आप में? मैं यही कहने आई हूं कि आप सोच लीजिए, 18 साल हो गए हैं, 5 साल सामने हैं, 5 सालों में बच्चे बड़े होने वाले हैं, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जाना पड़ेगा, रोजगार चाहिए, भविष्य बनाना है, तो ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हल्के में मत लीजिए, ये मत सोचिए कि चलिए एक और चुनाव है, वहीं डाले देते हैं जहां पिछले 18 सालों से डाल रहे हैं हम, गलत बात है। ये आपके भविष्य को बनाने वाला चुनाव है।